अस्सलाम वालेकुम जी, ब्यूटी एंड एंटरटेनमेंट ट्राइब्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हाजिर है अली आपकी खिदमत में। जी जनाब, आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सी गाड़ी का रिव्यू लेके आया हूँ जो कि है विट्स। और विट्स जी 2012 का कोटा है ये जी। इधर ही मुझे गाड़ी एक अपने लिए एक्सचेंज करनी थी, तो जो है ये मैं आपको इसका टोटल रिव्यू दिखाता हूँ, ठीक है। ये गाड़ी मुझे तकरीबन बहुत सस्ती पड़ी है, आप इवन के इमेजिन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा कि जिसको भी गाड़ी परचेज़ करनी हो तो ही कैन कम एंड बाय फ्रॉम स्वात, होता है कि इन द मार्केट देयर एंड स्वात इज़ वेरी गुड, जो कि आपको एज़ कम्पेयर टू पेशावर। एंड आई विल सजेस्ट कि कम एंड सर्च द मार्केट ऑफ पेशावर एंड देन यू कैन ऑल्सो सर्च द मार्केट ऑफ स्वात। आपको इन दोनों में जो है अच्छी मार्केट जो है यकीनन स्वाद की ही लगेगी जैसे कि मुझे लगी, तो इसीलिए मैंने इंतज़ार नहीं किया और ख़रीद ली गाड़ी। और जिसकी है ये चाबी, कीलेस एंट्री है जनाब इसकी। और ये रही मेरी शहजादी यू, फिर आप कहोगे अंधेरे में लग गए, तो जनाब मेरे पास ज़बरदस्त टाइम अपनी चीज़ दिखाने का यही होता है, तो इसलिए मैं आपको इसका ज़बरदस्त रिव्यू दिखाता हूँ गाड़ी का। एक जनाब, ये पहले आप चारों तरफ से देख लें जी, इसका कलर, अब आपको इसके अंदर के हालात दिखाता हूँ। ये जी इसकी जापनीज जो है एलईडी देखिएगा, इसकी पीछे की जो भी है डैशबोर्ड्स, मतलब डबल डैशबोर्ड है इसके, पावर स्टीयरिंग प्लस ऑटो ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, एक डी और एस, कि एस जो है सुनने में यही आया है कि स्पोर्ट्स के लिए कहते हैं, एज यू नो कि जब गाड़ी की जो है अगर आपके ब्रेक के बगैर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि गियर निकालना हो तो ये शिफ्ट लॉक होता है, इसको प्रेस करके आप करेंगे। वेल खैर बोलेंगे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी प्रोवाइड करूं। ये जी जापान की तरफ से कोई चीज़ लगी हुई है, पता नहीं क्या लगा हुआ, कुछ लगा हुआ है जी, आई थिंक ये GPS के लिए। लेकिन इसमें आपको जो म्यूज़िक सिस्टम जो जितना भी है वो आपको जो है इंग्लिश में नज़र आएगा। वेल ये देख रहे हैं नीचे AM/FM CD/DVD, जैसे कि आप CD के लिए क्लिक करते हैं तो ये जो है आप या HD के लिए, ठीक है, या फिर आप जो है इसको जो है HD या इसके लिए वेदर। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट, इसके साइड मतलब जो है वो भी बहुत अच्छे है, क्वेश्चन जबरदस्त, ये जी इनकी स्टार्ट है, ठीक है। और प्लस मतलब ये स्क्रीन जो है नीचे को टिल्ट हो जाती है इसकी, और इसी में आप फिर CD भी, वेल इसमें USB का ऑप्शन नहीं आया और लैंग्वेज भी चेंज नहीं हो सकती जापनीज से, बस ये जो है इसी तरह ही है। और इसके अलावा जो है आप ये देख सकते हैं कि इसमें ट्रैक अगर आप लगा रहे हैं तो इससे मतलब क्या होगा, इसको
फिर आपको इंग्लिश में ही नज़र आएगा ये, जैसे कि आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी मैप्स जो हैं वो सारी चीज़ें आपको जापनीज़ में जहाँ की गाड़ी होगी वहाँ के ही अब आपको नज़र आएंगे, सॉरी जो मतलब वहाँ की ही लैंग्वेज होगी, सॉरी। मैं आपको इसका इंजन दिखाता हूँ जो इस टाइम फ्रेंच कंचा हालत में है, बीच में थोड़ी सी अपनी टेढ़ी टेढ़ी उर्दू भी। बहुत खुली जबरदस्त सी जगह है, पीछे गाड़ी नई हालत में देख सकते हैं आप, रंग भी इसका। आप कहते होंगे हर गाड़ी कोई अपनी गाड़ी बना लेता है, रियलिटी में ये गाड़ी जो है कजन है उसको मैंने लेके दी है, ठीक है, और गाड़ी उसे बहुत पसंद आई है, क्योंकि गाड़ी जो थी ऐसी, सिर्फ इसकी ये जो लाइट्स हैं ये बफ करवानी पड़ती हैं, अक्सर ये बफ नहीं होती हैं, ये आपको नई ही लगवानी पड़ेंगी अगर इस हालत में लाइट आई, क्योंकि जब ये सी पोर्ट पर खड़ी हुई होती है तो समंदर से अक्सर ये जो है ये हालत हो जाती है लाइट की, और जो कि गाड़ी की सारी लोग तबाह कर देते हैं। आप देख सकते हैं इंजन साफ सुथरा, जिसमें ड्राई चार्ज सॉरी ड्राई बैटरी है, इसमें पानी वानी वाला सिस्टम आई थिंक नहीं होता। यस, बाकी आप देख सकते हैं बॉनेट टोटल अपनी हालत में है। क्योंकि रात का अंधेरा है जी, और लाइट्स मैंने बंद नहीं की, और इसकी लाइट भी बंद करनी हो तो भूल ही गया हूँ। जिसमें तीन पहले आप बटन दबाएंगे तो एक दफ़ा ऑन हो जाएगा स्विच, जिसमें आप टेप मतलब अपना म्यूजिक सिस्टम, दूसरी दफ़ा क्लिक करने पे ये आपको स्पीड मीटर का सब कुछ दिखाएगा, लेकिन अगर आपको स्टार्ट करनी होगी तो उसके लिए आप ब्रेक पे पाँव रखेंगे और स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो इसलिए जो है इस तरीके से आप इसको स्टार्ट करेंगे, ओके। अब इसको हम बंद कर देते हैं और ये हो गई गाड़ी लॉक, ठीक है। और मिरर आई थिंक ऑटो अंदर नहीं जाते, बाकी लोग देख सकते हैं आप, किस्मत से रिम जो हैं ये मिले हैं, टायर और रिम जो हैं ये बीच में, इसके साथ ही आई है गाड़ी, और जंग जंग का कोई असरात नज़र नहीं आ रहे, जंग नहीं है। डिस्क भी अच्छी है, और वेल उधर अंदर एक बटन है उसको दबाने से मिरर जो हैं ये ऑटो अंदर चले जाते हैं। देखिए ऑप्शन मतलब शॉक्स जो हैं वो भी ज़बरदस्त हालत में हैं, और जो है आप इसके देख सकते हैं इसमें लाइट्स फॉग लाइट्स भी आई हुई हैं, ठीक है। आई थिंक दे आर फॉग लाइट्स। जब कभी बीच में कुछ बात करनी कुछ और रहती है और कर कुछ और जाता हूँ, क्योंकि दिमाग जो है कहीं और ही होता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही इतनी चल रही हैं आजकल। खैर, इसी का नाम ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सबको ही प्रॉब्लम्स रहती हैं। वेल, अल्लाह हम सब की मुश्किलें आसान करे जी। यही था जी इस गाड़ी का रिव्यू। वेल, ब्यूटी और एंड एंटरटेनमेंट की तरफ से और अली की तरफ से अल्लाह हाफिज़ जी। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और जैसे कि कहते हैं कि बेल आइकन को क्लिक करके, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।
اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. بہت ساری گاڑیاں میں نے جو ہیں بہت سارے کانٹیکٹ بنائے ہوئے ہیں, لیکن انشاءاللہ وہ آپ کو میں اس کو جو ہے اچھے سے ریڈی کر کے پھر اپلوڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹیک کیئر جی, اللہ حافظ. اور نمبر جو ہے ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا میں نمبر شیئر کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, تو ابھی مجھے پالیسی جو ہے اس کو میں ریڈ کر کے پھر میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو اور جن میرے دوستوں کو بھی نمبر چاہیے ان کو ضرور شیئر کروں گا. اللہ حافظ.